अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हमजा सलीम एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में अपने ब्लॉग के साथ। निकल जान। जुमा मुबारक। सबसे पहले तो आप तमाम मुसलमानों को, आप तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक और बहुत बहुत शुभकामनाएं, नेक दुआएं बहुत बहुत मेरी तरफ से आप सबको। अल्लाह आप सबके हक में बेहतरी करे। तो जुम्मे का दिन है आज यार, सुबह उठ चुके थे और नमाज़ भी पढ़ चुके, अपनी नाश्ता वगैरह भी हो चुका। खैर वो सब आपको दिखा नहीं सका मैं, लेकिन ये कि हो गया, बस सब कुछ मान लो। मैं नहीं मानता। तो ऐसे ही सीन था यार। बाकी तो भाई सोए थे रात में यार, देर से। वैसे तो रात पूरी नींद नहीं आई हमें, और फिर जब सुबह करते कराते सोए मुश्किलों से, तो फिर उसके बाद भी कच्ची पक्की नींद। लेकिन 12 बजते ही भाई, 1 बजे 2 बजे जो है नमाज का टाइम होता है, तो 12 बजे 80 क्लास की नींद आने लगी भाई। शैतान ने लेटाया फुल गोद में हमें मस्त करके, बोला अल्लाह का के सो जा, तू उठना नहीं, सोया रहे उठना नहीं नमाज से पहले। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार, फिर भी जद्दोजहद करके उठ गए। तो घर में ही है अभी फ़िलहाल, और ऐसा सीन है कि मौसम अच्छा है। सुबह तो गर्मी थी, लेकिन अब अच्छा मौसम हो गया काफ़ी, और अच्छी हवाएं वगैरह चल रही हैं। आपको मौसम भी दिखाऊंगा अभी मैं। बाकी ऐसे ही सीन है यार। माशाल्लाह भाई के कितने 141 आवर्स माशाल्लाह वीडियो चल चुकी है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए, समझो इस 18 को 1 मंथ हो जाएगा पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स भी 145 हो गए, और वॉच टाइम भी माशाल्लाह अच्छा हो गया। तो दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, और रिक्वेस्ट भी है कि यार और ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक कमेंट शेयर कर किया करो लाजमी। और इसके अलावा ये कि यार वॉच टाइम पूरा करना लाजमी है, ये मेन टारगेट है वॉच टाइम पूरा करने का और सब्सक्राइबर्स का, तो ये लाजमी पूरा करना है। बाकी व्यूज़ वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी एक वो ईद की भी वीडियो डाली थी मैंने, कुर्बानी की, तो जिस पे वो थोड़ा आ गया था, इनकी तरफ से एज रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, वो थोड़ा कसाई काट रहा था, तो पता नहीं मेरे ख्याल से शायद वो खून वगैरह की वजह से इन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ऐसा होता भी है खैर, तो इन्होंने इसी वजह से एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उस वजह से उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं पा रहे। तो बाकी यही है यार, मौसम माशाल्लाह अच्छा होता जा रहा है। कल तो भाई आंधी का मौसम था, तो वो भी काफ़ी प्यारा सीन था। बारिश हुई नहीं, लेकिन जैसा सोचा था ना कि तेज़ तूफ़ानी बारिश हो जाएगी, वैसी हुई नहीं। और आज भी कुछ ऐसा ही सीन है, अभी तक तो गर्मी थी, लेकिन अब मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो चुका है। तो चलते हैं बाहर भी, चलते हैं देखते हैं क्या सीन है, नहीं तो कहीं होटल वोटल भी जाके बैठ जाएंगे यार अपन, मस्त एक ही ठिकाना है अपना। घर से निकले, होटल होटल से निकले, घर रात में भी दोस्तों के पास जाते हैं, वो भी पठान की होटल पे ले जाते हैं, पठानों से इतनी मोहब्बत है भाई। तो खैर ऐसे ही है, चलेंगे अभी बाहर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कहीं पार्क में बैठने का, अगर पार्क में घुसने की इजाज़त नहीं देते तो फिर चलते हैं कहीं पठान की होटल पे, चल के बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, कुछ मौसम को एंजॉय करते हैं, वरना फिर किसी दोस्त के पास जाते हैं, उस दोस्त को भी लेके अपने साथ चलेंगे यार। तो खैर ऐसे ही है, चलते हैं फिर बाहर और फिर देखते हैं क्या सीन है। सही है, तब तक के लिए साथ रहिएगा। तो भाई भांजा लगा हुआ है पीछे बॉल खेलने के लिए, फुटबॉल, उसके लिए तो खैर बॉल ही है, वैसे तो नहीं है बॉल ही है, लेकिन उसके लिए फुटबॉल ही है, तो वो पीछे लगा हुआ एक तोतला है, तोतला क्या मतलब, अभी छोटा बच्चा बोलना नहीं आता उसे, तो खैर आवाज़ ही दे रहा है कि बाबू बॉल बाबू बॉल, तो कब से खेलने के लिए बुला रहा है, इससे पहले कि रोना शुरू करे चले उसके साथ चल के खेलते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर कहीं बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। सही है, जाओ समी, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह, चलो वहां पे जाओ, आप जाओ अपनी जगह पे जाओ और पीछे हो जाओ, चलो ये लो स्टार्ट किक, अरे वाओ आती है भाई किक मारना, ये लो फिर पाकिस्तानी बच्चा है भाई, बिल्कुल जुगाड़ू हर तरफ का जुगाड़ पता है, किक नहीं तो हाथ से शुरू, ये लो फिर किक, खड़े हो जाए किक मारे, वेरी गुड, ये लो फिर किक मारो, ओ ये रही ये रही, मारे किक मारे मेरे पास, ओह वाओ क्लैपिंग, खुद ही अपने लिए क्लैपिंग हो रही है, हाँ
अच्छा हमारे घर में यार माशाल्लाह हवा देख रहे हो, भाई की जुल्फें कैसी टाइट डूड रही हैं भाई, फुल हवाओं में ऐसा लग रहा है कोई बंदा वो लेके खड़ा हुआ है, एयर बफ होता है क्या होता है जो भी वो लेके खड़ा हुआ है कि भाई हमजा भाई के बालों का आज फुल सेक्सी से सीन देना है यार, ब्लॉग बन रहा है काफ़ी दिनों बाद। लेकिन ऐसा कोई सीन है नहीं भाई, हम रहते हैं असल में सी साइड पे, ठीक है, हम रहते हैं समंदर के किनारे पे, साहिल समंदर पे, कराची में जो साहिल समंदर है ना हर जगह पाया जाता है, हम रहते हैं वहाँ। और घर है हमारा ऊपर की मंजिल का, तो उसकी वजह से आती है हवा बड़ी क्लास करके। तो आपको दिखाता हूँ अपना सीवीओ कैसा है हमारा, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये है भाई हमारा सीवीओ, देख रहे हो यहाँ पे आए हुए वही रंग बिरंगे लोग, और जो है बैठे हुए साहिल समुंदर के मज़े ले रहे हैं, ताज़ी हवाओं के मज़े ले रहे हैं बैठ के। तो भाई जान ये है, अब ये देख रहे हो ये हमारे सी व्यू के बीच में से एक ब्रिज भी आ रहा है, यहाँ काम चल रहा है, ये तरक्कियाती काम चल रहा है सी व्यू पे। तो यहाँ पे बेचारे ये लोग जैसे बैठे हुए साहिल समंदर पे मज़ा लेने, ये देख रहे हो ये चाचा लोग कुछ बैठे हुए हमारे, इनको जूम करने की कोशिश करते हैं, ये बैठे हुए भाई जान फुल मस्त हो गया, सही है, ये ले रहे ताजी खुशबू के मजे यहाँ पे। एक काम करो, बस उतारो और गंगा जी में छलांग लगा दो। अच्छा। और उसके अलावा बाकी बस ऐसा सीन है, और ये साहिल समंदर की तरफ ये दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं भाई, सही है, ये मौसम हो रहा है कुछ आज का, ये देख रहे हो काली घटाएं, मस्त फुल मस्त माहौल हो रहा है भाई। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानियों की बूंद तुझे ही आशिकों की जान लेती है, आशिकों की भी ले रही ना आजकल तो। चलो पहले दोस्तों की ले लेते हैं। अरे आराम से चला लो चाचा, राइटर नहीं बनने का। चांद जलने लगा आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। घूम फिर के आ चुके हम वापस अपने घर, तो मौसम माशाल्लाह बड़ा अच्छा था, इन्जॉय किया, हल्की हल्की रिमझिम चल रही थी, बूंदा बांदी भी, तो इन्जॉय कर लिया मौसम, आप लोगों को भी दिखाया मौसम कैसा था, वीडियो कैसी बनी। बाकी ये कि अब थोड़ा टाइम है आराम करने का, हालत भी अजीब सी हो चुकी है, तो थोड़ा फ्रेश होके अब आराम करते हैं, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।